तो हे गाइस, आज की न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे गांव में क्या है, जत्रा मेला। हमारी भाषा में जत्रा बोलते हैं और हिंदी में मेला। तो आज हमारे गांव में बहुत सालों बाद, मतलब 3 साल बाद डायरेक्टली मेला भर रहा है। मतलब कोरोना की वजह से हमारा वो मेला बंद था यार। तो 2-3 साल तो हमको मौज करने के लिए कुछ मिला ही नहीं, मतलब मेला भराया नहीं। तो अभी बहुत मस्ती करेंगे, मौज करेंगे और हम सब फ्रेंड्स मिलकर मेला में घूमने के लिए जाएंगे। तो अभी सब तैयार हो गया पब्लिक? यस। ओह माय गॉड, वाओ। यस यार, क्या बोल रहे हो यार। यस, सब एक्साइटेड है अभी मेला में जाने के लिए। और आप बोल रहे हो कि मेला कहाँ है और तुम कहाँ घूम रहे हो। हम यहाँ ऐसे ही घूमने के लिए आए थे बाइक पर, और मुझे लगा अभी हवा तो बहुत आ रही है, लगा यहाँ ही इंट्रो बना लेता हूँ। इंट्रो कहाँ भी बना ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम कैसे कैसे तैयार हुए वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। हे फ्रेंड्स, हम तो अभी मेला में आ चुके हैं, बट हम मेला में घूमने से पहले नाश्ता पेट भर लेते हैं। ओके, शर्मा क्यों रहे हो यार। तो हे गाइस, देख सकते हो मेला कड़क। पहले नाश्ता करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं मेला में। कौन सा मेला? तो चलो, नाश्ता क्या खाएगा तू आज? वड़ा पाव पड़ पाव, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन है गुच्छा से वड़ा पाव कटलेस का वटले यार। सो लेट्स गो। लूटो फटाफट। पेट भर चुका है, तो अभी हम घूमने के लिए तैयार है। ओके नहीं पब्लिक? हाँ। तो चलो लेट्स गो। ओके, बचपन में मैं टैटू बहुत ही निकाला करता था, लेकिन अभी चांस मिल रहा है तो अभी निकलता हूँ। ओके, ओ माय गॉड, ओ बाप रे, ओ बाप, अरे जा रहे हैं मतलब। और भी और टैटू बहुत पड़ गए, प्रमाण नहीं है, थोड़ी दिन के लिए बस। मेरे देख के सब मेरे कॉपी करते, क्या बताऊं। तो चलो अभी आगे जाते हैं और झूला दिखाता हूँ। अभी झूला दिखाता हूँ, फिर मेला में फिरा होगा। धीरे धीरे आराम से एक एक चीज हम एक्सप्लोर करेंगे और एंजॉय करेंगे। सो प्लीज सरा पकड़ा है। ओके, थैंक यू। हम झूला
मौज करके हम आ गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वो पैसे में रिंग डालेंगे, देखेंगे मेरा लक चलता है या नहीं चलता है, कभी देखेंगे। अभी रिंग डालूंगा, पैसे कमाऊंगा। तो लेट्स गो। वो बराबर की कैसे क्या, ए कैसे करो भाई, नहीं भाई। गाइस ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा रिंग जा चुका है 20 की नोट में, मुझे 20 की नोट चाहिए अभी। नहीं मुझे 20 की नोट चाहिए भी 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 नहीं क्या फॉल था क्या। दोस्तों सीन क्या हो गया, मैं रिंग डाला अंदर, पैसे मेरे 20 की नोट पर चल गए, लेकिन ना पूरी नहीं गई यार, क्या बताऊं, इसलिए मैं वो फेल हो गया यार जरा, नहीं तो 20 की नोट ना मेरी जेब में थी अभी। तो चलो हार जीत तो चलती रहती है, अभी ऐसी बात नहीं है। तो नेक्स्ट गेम के पास जाते हैं। ओके तो हे गाइस, आगे बहुत ही भीड़ है और भीड़ में जाने का मजा कुछ अलग ही है। क्या भाई, अंदर सब चौंड्री है क्या है, चौंड्री 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 क्या है, चौंड्री क्या है भाई, बोलने में आज का जो मेला है सिर्फ लेडीज के लिए रहता है, बस हमें थोड़ा एंजॉय करना है। सामान हमको लेना नहीं है, तब भी हम जा रहे हैं ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। और हमारी पब्लिक भीड़ में फंस गए, वो देखो यार, पैसे डालते तो क्या बताओ, बहुत भीड़ है अंदर। मैं डायरेक्टली क्या बोल रहा था, कब बाहर निकले, ये तो आधे से ही बाहर आ गए क्या रे। अच्छी बता रहा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। दोस्तों आज जेब में पैसे, लेकिन
वो हमारा बचपन नहीं है यार, क्या बताऊँ। हमारा बचपना चल गया, तब भी हम बचपन की तरह इंजॉय कर रहे हैं। भाई मैं झूला खा गया हुआ है, मेरे को छोड़ के आ। अरे तू जा रही। ओ माय गॉड, धीरे थोड़ा। अरे जा नहीं रहा हूँ कोटी पास। नो गॉड, नो। तो दोस्तों फाइनली पूरा मेला घूम के हो गया हमारा। हमने बहुत सारे एंजॉय किया, वो आप लोग देख ही चुके होंगे वीडियो में। सो अभी हम चले घर, मिलता हूँ तुमको मैं अभी स्कूल पे। ओके सो तब तक के लिए हम यहाँ डांस करते और आप वीडियो देखो और एंजॉय करो। सो लेट्स गो। खतरनाक। हाय गाइस, हमारे दोस्त आज बहुत डांस कर रहे हैं। तो हाय गाइस, तो नाचो, लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो, फॉलो करो। जस्ट मैजिकल कैसा है आज जतरा है, पैसे ले हमारे पास, आज मेला है हमारे गांव में, तो हमारे पास एक रुपए नहीं है। तो हे गाइस, आज का ब्लॉग मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ तुम लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस मैं अंदर भीड़ में गया तो बहुत पसीना पसीना हो गया, देख सकते हो आप लोग मेरा फेस, बहुत पसीना पसीना हो गया हूँ। और ब्लॉग मुझे ब्लॉग बनाने का ही था आज, मतलब इसलिए मैं बहुत रिस्क उठाया। अंदर पुलिस थी, मार भी सकती थी पिछवाड़े पर डंडा। अरे कोई नहीं यार, रिस्क है तो आगे फिक्स है, घबराना नहीं पड़ता। आगे होएगा जो होएगा, लेकिन अपना ब्लॉगिंग तो बनेगा।